रुकनिए पाकिस्तान कायदे आज़म मामले जना को खराज तहसीन पेश करने के लिए नेशनल प्रेस क्लब में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सांगर जोएब मुश्ताक थे, जबकि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन दिलबर खान नजामानी, बार कौंसल के सदर तारक महमूद समेत दीगर मौजूदीन ने भी शिरकत की। इस मौका पर मकर्रीन ने खिताब में कायदे आज़म को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बैठे हुए यहाँ पर और हमने अपने मौसने कौम के लिए मौसने कौम के लिए हमने इस तकरीब का अहतमाम किया और हम उनकी याद में इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इस अज़म के साथ यहाँ से जाएंगे कि जो काज़म ने हमारे लिए फरमुदात छोड़े हैं, जो उन्होंने हमारे लिए रहनुमा असूल छोड़े हैं और जो उन्होंने अपने किरदार से वाज़े किया अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उनके फरमुदात पे अमल करें और उनकी उनकी जो बातें हैं उन पे अमल करें। इस्लामी रियासत 1400 साल में सिर्फ दो कायम हुई हैं, एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कायम हुई थी मक्का में, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी इस्लामी रियासत। उसके बाद जो रियासत कायम हुई हुई है इस्लामी तौर पर जो पूरी वर्ल्ड में, वो पाकिस्तान है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने ये हमें पाकिस्तान जो है वो इस्लामी रियासत की शक्ल में हमें दिया। हम उसके बहुत ही ज़्यादा हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग ने भी कुर्बानियाँ दी और मोहम्मद अली जना साहब ने भी अपने इलम के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, कलम के ज़रिए हमारे पाकिस्तान को, हमारी रियासत को, हमारे सिंध को, हमारे पंजाब को, हमारे जितने भी सूबे थे, ये सब हमें उसने आज़ाद करा के एक मुकम्मल पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना के दिया। समर की है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को पाकिस्तान की कदर के साथ साथ कौमी त्यौहारों को कौमी तरीके से मनाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की नई नस्ल को पाकिस्तान की अहमियत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल हो सके। कैमरा मैन माजिद खान के साथ मोहम्मद इशार, बिजनेस प्लस, सांगड़।